सोहना के भोंडसी में बनी जिला मॉडर्न जेल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 20 वर्षीय बंदी ने अपने ही तौलिये से फांसी लगा ली। घटना की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन मौके पर पहुंचा, लेकिन जब तक जेल के आला अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे, तब तक युवक की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद जेल प्रशासन द्वारा भोंडसी थाना पुलिस को मामले की सूचना दी गई और वही सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया, जिसके बाद मैजिस्ट्रेट की निगरानी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक हवालाती मोहम्मद कैस सनोफ अब्दुल रजाक गांव भैसाडा जिला नुह में बैरिक में के अंदर गेट के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जिस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे तो वहां पर मजिस्ट्रेट साहब श्री नवीन कुमार जी भी मौके पर आए, जिन्होंने इसके इंक्वायरी ऑफिसर हैं और पुलिस के द्वारा कार्रवाई 174 की गई। इसका पोस्टमार्टम सरकारी हॉस्पिटल गुरुग्राम से कराया गया। जी, किस मामले में बंद था ये और कितने दिन पहले आया था? ये करीब 3 महीने पहले थाना रोज कमेर के मुकदमे में बंद है और पॉक्सो एक्ट के अंदर ये बंद हुआ है। तो आत्महत्या करने के कुछ कारणों का खुलासा हुआ है? ये दिमागी रूप से जो मामला सामने आया है, दिमागी रूप से थोड़ा परेशान रहता था, इस कारण अभी तक यही मामला का खुलासा हुआ है। जी, तो किस तरीके से सुसाइड किया था इसने? इसने बैरिक के अंदर बाथरूम के गेट के साथ अपनी परना से फांसी लगाकर आत्महत्या करने। जानकारी के मुताबिक मृतक मोहम्मद कैफ निवासी घासेड़ा जिला नूह का रहने वाला था, जिसको करीब 3 महीने पहले रोजका मेवात पुलिस थाना द्वारा पॉस्को एक्ट के मुकदमे में गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था, जहाँ से अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत भोंडसी जेल में भेज दिया था। तभी से आरोपी का दिमागी संतुलन बिगड़ रहा था और इससे पहले भी आरोपी ने जेल के अंदर अपनी नस काटने का प्रयास किया था। आखिरकार परेशान युवक ने अपने तौलिये का फंदा बनाकर जेल बैरंग के पास बने बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने मजिस्ट्रेट की निगरानी में शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद 174 की कार्रवाई कर शव परिजनों को सौंप दिया है। सोहना से सतीश राघव, पंजाब केसरी टीवी।